पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे को लेकर चर्चा न केवल भारत में है बल्कि दुनिया के कई देशों में इस दौरे की चर्चा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीते महीने ही पीएम मोदी रूस के दौरे पर थे और रूस दौरे के महज कुछ दिनों के भीतर ही उनके यूक्रेन दौरे के पीछे क्या वजह है। सवाल ये भी है कि क्या पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे से रूस नाराज होगा, क्योंकि मौजूदा वक्त में रूस का सबसे बड़ा दुश्मन यूक्रेन है और ऐसे में क्या रूस को पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा रास आएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे। आपको बताएं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन के दौरे पर रहेंगे। 30 साल में ये पहली बार है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन का दौरा करेगा। खास बात ये भी है कि पीएम मोदी का ये यूक्रेन दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब यूक्रेन की सेना के द्वारा रूस के कई इलाकों में कब्जे की खबर है। यूक्रेनी सेना रूस की सीमा के अंदर घुस गई और हमले तेज कर दिए हैं। आपको याद होगा जब पीएम मोदी बीते महीने ही रूस के दौरे पर गए थे, इसी दौरान रूस ने यूक्रेन के एक अस्पताल पर हमला किया था जिसमें कई यूक्रेनी नागरिक मारे गए थे, जिसमें कई बच्चे भी शामिल थे। तब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी के रूस दौरे और मोदी पुतिन की गले लगती हुई तस्वीर पर निशाना साधते हुए कहा था कि आज रूस के मिसाइल हमले में 37 लोग मारे गए, इसमें 3 बच्चे भी शामिल थे। रूस ने यूक्रेन में बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल पर हमला किया। एक ऐसे दिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता का दुनिया के सबसे खूनी अपराधी से मॉस्को में गले लगना शांति स्थापित करने की कोशिशों के लिए बड़ी निराशा की बात है। हालांकि इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे से रूस नाराज होगा। इसको लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन के चीन दौरे पर भी भारत ने कोई नाराजगी जाहिर नहीं की थी और चीन रूस संबंधों को लेकर रूस और भारत दोनों ने साफ कहा था कि भारत और रूस के बीच संबंध अलग है और इस दौरे से भारत और रूस के बीच संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बीते 25 सालों में देखा जाए तो भारत और यूक्रेन के व्यापारिक संबंधों में भी इजाफा देखने को मिला है। भारत के विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2021 से 22 वित्त वर्ष में दोनों देशों के बीच करीब 3.3 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। वहीं रूस और भारत के बीच करीब 60 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। साल 2030 तक भारत और रूस के बीच 100 अरब डॉलर का कारोबार करने की उम्मीद जताई जा रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे को लेकर साफ कहा है कि भारत के रूस यूक्रेन से संबंध मजबूत और स्वतंत्र हैं, जिनका अपना अपना अस्तित्व है। ये किसी एक का फायदा दूसरे का नुकसान जैसा मामला नहीं है। पीएम मोदी रूस के दौरे पर गए थे, कई मुद्दों पर बातचीत हुई, फिर पीएम ने ज़ेलेंस्की से भी कई मौकों पर मुलाकात की। अब दोनों नेता यूक्रेन में मिल रहे हैं, अभी जारी संघर्ष के बारे में बातचीत होगी। ध्यान दिया जाए तो भारत रूस के साथ अपने संबंधों में संतुलन बनाने में कामयाब रहा है। भारत ने यूक्रेन पर रूसी हमले की कभी भी निंदा नहीं की और न ही संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन भारत यूक्रेन में मानवीय मदद हमेशा भेजता रहा है। साल 2023 में जब भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, तब भारत ने यूक्रेन को इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रण नहीं भेजा। हालांकि इस सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल नहीं हुए थे। यानी देखा जाए तो भारत रूस के साथ अपने सबसे पुराने संबंधों को भी उतना ही तवज्जो देता है जितना अमेरिका और पश्चिमी देशों को। पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा भी वैश्विक कूटनीति में संतुलन बनाने का एक बड़ा उदाहरण है।